हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूं EWS DG कैटेगरी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी जानकारी जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं EWS DG कैटेगरी का फॉर्म 2023 और 24 के सत्र में भरें और अपने बच्चे को दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दें, तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जानकारी है EWS DG कैटेगरी से जुड़ी हुई, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास होते हैं, फिर भी आप पूरी जानकारी ना होने के कारण आप इस फॉर्म को नहीं भर पाते हैं। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए कोशिश कर रही हूँ कि इस फॉर्म से जुड़ी हुई जो भी छोटी सी छोटी जानकारी है आप तक पहुँचे, ताकि आप अपने बच्चे का भी फॉर्म भर पाएँ और अपने आसपास जो भी ऐसे बच्चे हैं जो डिज़र्व करते हैं इस कैटेगरी में पढ़ने के लिए, उन सभी को आप ये जानकारी शेयर कर पाएँ। देखिए, जब भी ये फॉर्म भरे जाते हैं, दो कैटेगरी में फॉर्म भरे जाते हैं, एक होता है EWS कैटेगरी और एक होता है DG कैटेगरी। और इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था और आज भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी कि जो EWS कैटेगरी होती है वो केवल ये प्रूव करने के लिए होता है कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और DG कैटेगरी ये प्रूव करने के लिए होता है कि आप किस जाति विशेष वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ EWS कैटेगरी के लोगों के लिए। देखिए, अगर आप EWS कैटेगरी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास चार में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो इनकम सर्टिफिकेट होता है, जो 1 लाख से कम का बना होना चाहिए। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है फूड सिक्योरिटी कार्ड। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो है BPL कार्ड। और चौथा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है आय कार्ड। तो देखिए, ये चार डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में EWS कैटेगरी में भर सकते हैं। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट के बारे में आप सभी को पता है कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है और कहाँ से बनाया जाता है। फूड सिक्योरिटी कार्ड की जब भी बात आती है तो देखिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, और उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी वो इनकम सर्टिफिकेट बनवा के इस फॉर्म को भरते हैं, और यही पेरेंट्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, आपके पास ऑलरेडी आपके घर में डॉक्यूमेंट्स मौजूद है इस फॉर्म को भरने के लिए, और वो डॉक्यूमेंट्स है फूड सिक्योरिटी कार्ड। फूड सिक्योरिटी कार्ड वो होता है जिसके थ्रू आपको हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में 5 किलो अनाज पर व्यक्ति मिलता है। मतलब आप जो हर महीने गेहूं ले रहे हैं या चावल ले रहे हैं या चीनी ले रहे हैं, उसी कार्ड को फूड सिक्योरिटी कार्ड कहते हैं। और दिल्ली में अगर मैं फूड सिक्योरिटी कार्ड की बात करूं तो दिल्ली में जो फूड सिक्योरिटी कार्ड है वो ग्रीन कलर का होता है, वो घर की महिला के नाम पर होता है और उसमें सभी सदस्यों का नाम होता है, आपके हस्बैंड का नाम होता है, आपके बच्चों का नाम होता है। देखिए, जो फूड सिक्योरिटी कार्ड है बहुत सालों पहले था और उसके बाद फूड सिक्योरिटी कार्ड का जो बनाने का प्रोसेस है वो रोका गया है। अभी तक दोबारा कोई नया फूड सिक्योरिटी कार्ड नहीं बनाया है, जिसे आप राशन कार्ड भी सामान्य भाषा में बोलते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फूड सिक्योरिटी कार्ड आपके पास किस तरह का होना चाहिए अगर आप दिल्ली के अंदर EWS DG कैटेगरी के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं 2023 और 24 के सत्र में। और अगर ये कार्ड आपके पास है तो आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, क्योंकि ये कार्ड प्रूव करता है कि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर ये कार्ड आपके पास है तो आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी जानकारी है और बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है। हालांकि मैंने वीडियो में क्लियर करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि मैम, ये फूड सिक्योरिटी कार्ड क्या होता है। मेरे पास सवाल भी आते हैं कमेंट के माध्यम से, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अगर फूड सिक्योरिटी कार्ड है, राशन कार्ड है दिल्ली का बना हुआ, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप फूड सिक्योरिटी कार्ड के बेस पर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और पूरी जानकारी इस फॉर्म को भरने को लेकर ले सकते हैं। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी पूरी कोशिश करती रहूँगी, DOE की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नया आता है इस फॉर्म को भरने के लिए या कोई ऐसी नई गाइडलाइंस,
कोई ऐसा चेंजेस अगर इस फॉर्म को भरने के लिए होता है तो अपने वीडियो के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। और इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।